ये कोशिका या सेल क्या होती है? लैटिन भाषा में सेल का अर्थ है कोठरी, और कोशिका भी तो एक कोठरी की तरह ही होती है। अच्छू, क्या तुम हमें कोशिका की रचना समझा सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तुम्हें प्याज की झिल्ली की स्लाइड बनाकर कोशिका के बारे में समझाती हूँ। सबसे पहले एक प्याज यानी अनियन लेकर उसके दो टुकड़े कर दीजिए। अब एक मांसल शल की पत्ती अलग कर लीजिए। चिमटी यानी फोर्सेप्स की सहायता से उसके अवतल भाग से एक झिल्ली निकाल लीजिए। इस झिल्ली को स्लाइड पर रखिए और झिल्ली पर एक बूंद आयोडीन विलयन डालिए। अभिरंजित होने पर झिल्ली पर एक बूंद ग्लिसरीन की डालें। सावधानी से झिल्ली पर कवर स्लिप लगाएं ताकि कोई वायु का बुलबुला उसमें ना रह जाए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लगाएं। पहले कम शक्ति में फोकस करें और बाद में अधिक शक्ति में फोकस करें। चित्र बनाएं। इस तरह के जीवों को जो बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं बहुकोशिक यानी मल्टी सेलुलर जीव कहते हैं। ये देखो, ये सभी बहुकोशिकीय जीव है। क्या जीव एक कोशिका यानी सिंगल सेल के भी हो सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। बहुत सूक्ष्म जीव एक कोशिका के होते हैं और उन्हें हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख सकते हैं। ये देखो, ये एक कोशिक यानी यूनिसेलुलर जीव है। अच्छा, क्या हमारे शरीर में सभी कोशिकाएं एक जैसी बनी होती हैं? नहीं, मानव एक बहुकोशिक जीव है और इसमें तरह तरह की कोशिकाएं होती हैं। लेकिन मकान में लगी ईंट तो एक ही जैसी होती है, फिर हमारे शरीर की कोशिका तरह तरह की क्यों होती है? प्रश्न तो तुम्हारा बहुत अच्छा है गोलू, लेकिन ईंट एक ही कार्य करती है, लेकिन हमारे शरीर की कोशिकाओं को अलग अलग काम करना पड़ता है और इसीलिए ये विभिन्न आकृति और आकार की हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि कोशिका अपने कार्य को विशिष्ट तरीके से कर सके। भिन्न प्रकार की कोशिकाएं भिन्न कार्यों के लिए अनुकूलित होती हैं। अच्छा आओ, मैं तुम्हें भिन्न प्रकार की कुछ कोशिकाएं दिखाती हूँ। बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाएं भिन्न कार्यों को करने के लिए अनुकूलित होती हैं। हालांकि एक कोशिक जीव की कोशिका अपने सभी कार्य स्वयं ही करती है। लेकिन मुझे एक कोशिका की रचना के बारे में तो समझाओ।